Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So hope you guys going good and doing great in your lives. So अभी मैं सो के उठी थी सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं as you guys could know from the last vlog. बट अभी सिर्फ दो दिन का गैप मिला है मैं बीच पे. सो आई थॉट कि एक ब्लॉग तो मैं बना ही लूँगी बिकॉज एग्जाम में नहीं टाइम मिल पाता इतना एडिट करने का अभी. बट आई थॉट कि आज बना सकते तो आज बनाती हूँ ब्लॉग अपने पूरे दिन का. बस अभी सो के उठी तो पीछे बिस्तर भी गंदा हो रहा था, मैं बिस्तर साफ करूंगी एंड थोड़ा रूम की सफाई करते हैं. सो आई टोल्ड यू गाइस कि मेरी रूममेट जो है वो लीव मतलब रूम छोड़ने वाली है. सो अभी उसका ऐसे टेडी बियर सामान पड़ा है पीछे, गैस उसकी मतलब गैस उसका पड़ा है, बर्तन उधर साइड में उसके है, मेरे नीचे पड़े गैस वगैरह और कॉस्मेटिक्स वगैरह काफ़ी पीछे, मतलब बहुत सामान उसका भी है, बिस्तर के अंदर भी एवरीथिंग. सो टेबल्स वगैरह भी उसी की है, मतलब पूरा बहुत सामान है उसका भी रूम में. मेरा सामान सब बिस्तर के अंदर और एक ट्रॉली है बेचारी मेरी. सो व्हाट आई एम प्लानिंग कि जैसे वो रूम खाली करेगी तभी मैं अपना रूम ऑर्गेनाइज करूँगी, बिकॉज मैंने अपना रूम ऑर्गेनाइज ही नहीं करा बिकॉज पहले तो एग्जाम्स थे, फिर लेटर शी टोल्ड मी कि शी इज़ लीविंग. तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो जब वो जाएगी तभी मैं अपना रूम पूरा ढंग से ऑर्गेनाइज करूँगी द वे आई वॉन्टेड टू बी. यस गाइस, मैं भी फ्रेश वगैरह हो गई हूँ और अभी मैं ग्रीन टी पी रही हूँ. लेट मी शो यू गाइस, दैट्स माई ग्रीन टी एंड आफ्टर दैट आई विल बी वर्किंग आउट. उसके बाद वही नहा धो के फ्रेश वगैरह हो जाऊंगी, फिर उसका देखते हैं नेक्स्ट व्हाट आई डू. या ओके गाइस, सो अभी जस्ट मेरा वर्कआउट खत्म हुआ है एंड अभी मैं जाके नहा धो लेती हूँ, फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाती हूँ एंड देन आफ्टर आई मेक माई ब्रेकफास्ट. सो या ओके गाइस, सो आई एम जस्ट पैक फ्रॉम माई शावर. मैंने अपना स्किन केयर रूटीन जो था अपना कर चुकी हूँ, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन एंड नाउ आई मेक माई ब्रेकफास्ट. सो ब्रेकफास्ट के लिए मैं अभी बगल वाली शॉप से दूध लेके आ रही हूँ, आई मेक ओट्स. ओके सो मैं ब्रेकफास्ट के लिए भी अपने ओट्स बना रही हूँ, मैं दूध अभी जस्ट लेके आई थी एंड ओट्स मेरे पास एल्पिनो के लिए है, डार्क चॉकलेट ओट्स, डार्क चॉकलेट नहीं बस चॉकलेट ओट्स ही है. सो यस ओके, सो मैंने ओट्स निकाल लिए हैं, ये अराउंड 50 ग्राम्स होंगे एंड देन आई विल पुट दिस मिल्क इनटू इट. थोड़े दिन इसको ऐसी मतलब रखूँगी, सोक होने दूंगी एंड देन आई हैव इट. ओके सो हैड माई ब्रेकफास्ट और अभी मैं अपने फ्रेंड के वहाँ जाऊँगी एंड वी विल स्टडी देयर एंड ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू मेक द रील, फेमस रील आजकल ट्रेंडिंग में वो झुमका वाला. सो या वील मेक द रील एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड यू हैव बीन सब्सक्राइब्ड येट सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हाँ मेरी इंस्टाग्राम आई डी मैं आपको लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऑल्सो आई मैंशन हेयर, तो टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. यस गाइस, मैं अभी जस्ट आई हूँ और अभी 11 बज रहे दिन के और यहाँ देखो ये अभी तक सो ही रही है, छुपा लिया दिखा दे. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. 11 बज रहे हैं अभी तक सो रही है ये. दो एग्जाम देने के बाद यही हालत होता है, लगातार मी टाइम स्पेंडिंग, मी टाइम यहाँ सो के मी टाइम स्पेंड हो रहा है. मैं अपना फेस बहुत जल्द रिवील करूंगी. मैं भी मी टाइम ही करती सुबह से, अपना खुद का सफाई काम धाम, हम सोकर अपना मी टाइम व्यतीत करते हैं. ये अभी तक सो ही रही है, अब इसको उठाते हैं, उठ जा बहन, फिर उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, फिर आज हम रील भी बनाएंगे, तब आपको मेरा फेस रिवील हो जाएगा. अभी आप डर के अनसब्सक्राइब मत कर दीजिएगा. चलो ठीक है, अभी उठ जाए, फ्रेश वगैरह हो जाए पहले. उनको भी फिर मैं थोड़ा बाहर कुछ काम से गई थी तो वापसी में मैंने यहाँ पे छोले चावल खाए थे. ओके गाइस, सो मैं भी रूम्स पे वापस आई हूँ और मेरे को पता चला कि मेरी फ्रेंड जो मैं रूममेट थी बेसिकली वो रूम छोड़ के आ चुकी है
हॉस्टल लॉक काट के एक्चुअली रूम से गई हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कुछ कर नहीं सकता, मैंने कॉल करके पहले बोला, उसने आके मेरा ऑटो खड़ा था ये वो, मैंने कहा ठीक है कुछ कर नहीं सकते। तो मेरी ये फ्रेंड भी आ रखी है और ये भी इलेक्ट्रिशियन का काम कर रही है, आप देख सकते हैं ये भी इलेक्ट्रिशियन बनी पड़ी है। और मैंने फिर अपने रूम का थोड़ा एनोटेशन चेंज किया कि ऐसी अलमारी इधर थी पहले तो मैंने इसको इधर कर दी और बिस्तर को थोड़ा और इधर कर दिया, मतलब काफ़ी चीज़ें चेंज कर रही हूँ मैं अपने हिसाब से करूँगी इसको करके। बिकॉज अब मतलब क्या करूँ मैं, चली गई हूँ रूम में तो फिर मैंने अपना गैस सिलेंडर भी लगाया है, मैं थोड़ा सामान सेट करूँगी, काफ़ी कुछ करना है अभी वापस से। सो हाँ ये देखो गाइस, यहाँ रील की तैयारी हो रही है, हम लोगों को इतना सारा ही समेटना है अभी, मेरे को ये समेटना है, इस ट्रॉली से सामान अलमारी में शिफ्ट करना है। और यहाँ देखो हम कुर्ती सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम क्या रील में पहनेंगे, हाँ रील बनाने के लिए पहनेंगे। देखो हम लोग मतलब इतना काम है लेकिन रील में कमी नहीं। फिर ये हमारे इलेक्ट्रिशियन है, नए नई अभी लाइट्स लगा दी है, बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे हमारा नया रील अपलोड होने वाला है। मैं इंस्टाग्राम आईडिया दोनों की लिंक पे डाल दूंगी, आप देख लेना। और ये मेरे को काफ़ी जगह खाली हो गई यहाँ पे क्योंकि मेरे यहाँ शिफ्ट कर दिए, और अभी थोड़ा बहुत और यहाँ पे सफाई रहेगी। 30 days का ट्रांसफॉर्मेशन खुद ही डालने वाली है क्योंकि मुझे यहाँ वर्कआउट करने का ज़्यादा स्पेस मिल गया अब तो सही अच्छा हो गया। ये थोड़ा हो जाती है आप से बाहर, हाँ इंटरमीडिएट फास्टिंग का डालूंगी, लेकिन बहुत थक गया यार अभी ये दोनों में जो सामान था, फिर यहाँ से शिफ्ट करके थोड़ा यहाँ किया कि तो सामान मेरा बेड के अंदर था उसको निकाला, उफ तो अभी और भी चीज़ें करनी है, अभी रात में करूँगी मैं आराम से। आज मुझे लगता तो नहीं रहा मैं पढ़ाई कर पाऊँगी, पर थैंकफुली 2 दिन का टाइम था आज एग्जाम में तो पढ़ सकती हूँ मैं फिर भी अभी। सो अभी रील शूट करते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। देखो गाइस कि ये कैसे तैयार हुआ जा रहा है, अलमारी की हाइट की है बस अलमारी से सिर्फ इतना बड़ी है, देखो ये अलमारी को शादी करने और मेरे पास शीशा नहीं है क्योंकि ये जो रूममेट थी उस शीशा ले गई है, मतलब उसी का शीशा था और मैं अपना शीशा लाई नहीं थी यहाँ पे। मैं भी मस्त कुर्ती पहन के रेडी हो गई हूँ, रील बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं हम, देख रहे हो एग्जाम के बीच में वो भी इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे रील को, रूम पार्टनर देखिए रूम, हाँ पढ़ाई को भी देते हैं एग्जाम के बीच में, जब छुट्टी नहीं थी तो हम पूरा पढ़ाई करते थे, बट अभी छुट्टी है सिलेबस इतना नहीं लगा मैंने पहले से पढ़ा हुआ करके तो हमने सोचा कि अब कर सकते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम्स इतने ज्यादा होते हैं, कितने 12 तो एग्जाम है हमारे, 10 तारीख से एग्जाम्स कितने एग्जाम 22 तारीख से एग्जाम शुरू हुआ है और 8 को खत्म हो रहा और मतलब एक दिन बाद ही एग्जाम हो रहा है, ऐसा नहीं कि छुट्टी मिल रही होगी तो इतना लंबा खींच रहा एग्जाम, कभी गया हाँ मतलब, और वो सब्जेक्ट भी हमारे 11-12 ही है तो ऑब्वियस सी बात है। फिर वही है अभी रेडी होते सब, हम वो भी रेडी हो रही मैं भी रेडी होती और ओके गाइस। सो मैं अपनी छत से वैष्णो देवी की छत पे ही आ गई थी बिकॉज मैं जब उस छत पे गई तो मुझे किसी ने मतलब ऐसी बोल दिया कि अरे तो छत पे, हाँ मेरे छत पे मतलब कि किसी ने मुझे ऐसी बोल दिया कि ये तो खुशी है करके, और फिर मेरे को चढ़ाने लगे मतलब खिड़की से ही अपने हम लोगों को चढ़ाने लगे एक वो वाले गाने से काली काली अखियाँ और मतलब जो लोग खुद रील बनाते हैं वो लड़की खुद भी रील में आती है, बट अब वो मुझे ऐसे वहाँ पे से उसने आवाज़ लगाई, बट ठीक है क्या कर सकते हैं, उल्टा वैष्णो भी इतनी रील बनाती है अपनी छत पे इतनी रील बनाती है तो वहाँ जाके वो भी शर्मा गई कि देखो पीछे भी वो रील ही बना रही है और वो पीछे वहाँ जाके शर्मा गई कि मतलब ऐसे ही क्यों बोल रहे करके एकदम से, जबकि दोपहर का टाइम था यार दोपहर में, और वो लड़की जूनियर थी वैसे मेरे को दीदी दीदी करती है सामने से और एकदम से उसने बोली तो खुशी आई है ना सब पे करके, बट ठीक है। और हाँ अभी हमने एक दो गाने पे झुमका सॉन्ग पे और एक वो बिजुली सॉन्ग पे रील बना ली है एंड पीछे पहाड़ देख सकते हो मसूरी के, हर तरफ से पहाड़ देख सकते हो, इधर भी
उधर सनसेट हो रहा है, हर तरफ से पहाड़ दिख सकते हैं आपको, मस्त ये देहरादून है। एंड हाँ फिर अभी तो अभी और देखते हैं कुछ शूट करेंगे, तो इतना तैयार हुए हैं। मैं तो बिंदी भी गिर गई जो लगाई थी मैंने, नाउ आई रियलाइज्ड। ठीक है तो तैयार हो तो थोड़ा तो रील बनाएंगी। मंगी रील्स नहीं, कितनी बनानी और? बहुत सारी बहुत सारी, अब 7 तारीख तक का सारा कंटेंट भरना है क्योंकि डेली रील अपलोड करती है डेली। ओके सो मैं अभी जस्ट आई थी, मैं चेंज वगैरह कर लिया है। हाँ तो फिर मैंने अपना डोसा पैक करा लिया था, तो अभी रूम पे तो एक तो सुनसान सा हो गया, सामान पूरा खाली हो गया, तो सामान को अरेंज करना है। एंड इधर किचन भी अरेंज करना है, बिस्तर पे थोड़ा कपड़े उपड़े निकाल के फैले हैं। तो सो जो डोसा लाई थी पहले मैं वो खा लेती हूँ, फिर उसके बाद घर पे बात कर लेती हूँ अपने, देन सी मैं नेक्स्ट क्या करते हैं। उसके बाद रात हो गई है, घर पे बात करके थोड़ी देर रिविजन करके आई स्लीप। ओके नेक्स्ट टाइम प्लानिंग की मैं जी मेरी ट्रॉली थी उसका सामान मैं खाली करके अलमीरा में कर दूँ, सो दैट मेरे को कपड़े निकालने में आसानी हो। अदरवाइज मैं यूजुअली क्योंकि इधर थोड़ा सा कपड़े थे नहीं मेरे, तो मैं पूरी पूरी ट्रॉली खोल के सामान निकाल रही थी। सो आई एम थिंकिंग कि मैं वो करती हूँ, यहाँ पर मेरी कुर्तियाँ वगैरह फैली हैं इसको भी समेटते हैं। या ओके गाइस सो रात के 12:30 बज गए हैं एंड मैं स्टिल ये अभी भी इतना फैला हुआ है, आई एम जस्ट फिगरिंग आउट एवरीथिंग। पूरा तो फिगर आउट किया है, मैं दिखाती हूँ मैंने क्या किया है कि मैंने सारे शिमरी वाले टॉप यहाँ रख दिए, जैसे ये हो गया है से बहुत सारे शिमर वाले टॉप सब यहाँ रख दिए। फिर मैंने अपने ब्लैक एंड वाइट टॉप्स यहाँ रख दिए, फिर मैंने पिंक पर्पल और पिंक कॉम्बिनेशन वाले को यहाँ रख दिया, इसमें येलो ऑरेंज ऊपर को थोड़े ग्रीन शेड के टोन्स के कपड़े हैं टाइप के, इसमें नहीं दिख रहे। फिर इतने पीछे कर दिया, फिर यहाँ पर वेस्टर्न कपड़े, फिर घर के टी शर्ट्स लोअर्स, फिर से किधर अपने मैंने नीचे अपने डेनिम्स रख दिए, डेनिम जीन्स, इसमें मैंने अपना पूरा मेकअप का सामान भर दिया है, बहुत सामान है मेरे पे। सो ओके गाइस विद दिस आई एम एंडिंग माय व्लॉग, पूरा को पूरा पसीना पसीना आ गया, इट वाज वेरी टायरिंग। मैंने पूरा रूम अपना सेटल कर लिया है अभी, एंड किचन बाकी है मतलब रूम का एरिया कर लिया है। एंड सो होप यू गाइस लाइक दिस व्लॉग, एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।